सभी साथियों का जय भीम नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। मैं हूं डॉक्टर कौशल पवार। चर्चा का विषय बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो दिन रात जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हम लगातार अपने स्वच्छकार समाज की आवाज चैनल के माध्यम से आप सब फेसबुक मित्रों को, तमाम जो लोग नहीं जा सकते, जो अपने अपने घरों में बैठकर जो एक तरह से विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं या तमाम सड़कों पर उतर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बात जो आशावादी हुआ जा सकता है वह ये कि इस मुद्दे पर ये केवल एक जाति का, एक समुदाय का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसमें तमाम जातियां अब संघर्ष में उतरी है। चाहे वह जाटव समाज हो हमारा, चाहे तमाम जो हमारा मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं मीडिया हो, या हमारा जो दूसरा जो अप्रकाष्ठ जिसको हम कहते हैं, वो भी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरा है। ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है, इस रूप में अच्छी पहल कही जा सकती है कि हम इसको केवल एक दलित की बेटी की तरह ना देख के, एक भारत की बेटी के साथ ऐसे ब्रूटल मर्डर हुआ उसके ऊपर एकजुट हम हैं, और तमाम संगठनों से, तमाम राजनीतिक दलों से इस उम्मीद और अपील के साथ कि जब तक गुड़िया को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसे ही बातचीत जारी रखेंगे, संवाद जारी रखेंगे। जहां विरोध होगा तो वहां विरोध के तरीके अपनाएंगे, जहां बातचीत होगी तो वहां बातचीत की, जहां मांगे होंगी वहां मांगे। चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत बोरकर जी, आप लंदन से हैं, लगातार अपने मीडिया के माध्यम से भी और तमाम एक अम्बेडकराइट होने के नाते, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, अब्रोड में रहते हुए भी भारत में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ते हैं उस पर आपकी पैनी दृष्टि रहती है। आपने अभी पिछले दिनों आपने इंडियन कंसुलेट हाउस पर भी प्रदर्शन किया, उसकी भी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे। जयंत डोगरे जी हमारे साथ हैं, जो हाथरस में जिसका हम लगातार आलोचना भी कर रहे हैं। अशोक सर आप मेरी बात सुन रहे होंगे, मैं जयंत का परिचय जो करवा रही हूँ वो बड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि जिस एमएलए की जो सांसद है, सिटिंग जो सांसद है, उस सिटिंग सांसद के रिलेटिव भी हैं हमारे साथ जयंत डोगरे जी, जो एक तरह से जो इनकी पृष्ठभूमि है वो हाथरस ही है, हालांकि हाथरस को छोड़ के अब ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, कई सालों से वर्ष हो चुके हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, वहाँ हैं लेकिन जड़ें हाथरस में हैं। हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं जो अभी हाथरस होकर आए हैं, इन्होंने रात का सफर तय करके हाथरस पहुंचे थे, लोगों से मिले, वहाँ लाइव जानकारी एक तरह से ली और मीडिया में भी तमाम वो लाइव जानकारी हुई, इन्होंने तमाम चिट्ठियों के माध्यम से भी एक तरह से न्याय की प्रक्रिया के लिए जिस भी दौर से गुजरना हो उसमें लगातार अशोक अज्ञानी जी हैं। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंच रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको कह सकती हूं कि अब एक ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं इतना ही कहूंगी कि अगर ये राजनीतिक मुद्दा है भी, ऐसे इशू पर राजनीति होनी चाहिए। अगर एक इस विषय को लेकर अगर लोग राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है वो सार्थक राजनीति है, राजनीति होनी चाहिए। मैं सबसे पहले आना चाहूंगी अशोक अज्ञानी जी के पास। सर आपका मुझे लगता है कनेक्ट ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अशोक सर आपका ऑडियो कनेक्ट जब तक होता है तो मैं सबसे पहले जानकारी जो लेना चाह रही हूँ वो हमारे डॉक्टर श्रीकांत बोरकर जी, आप लंदन से, आपने कैसे इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और आपने कैसे अम्बेडकराइट आंदोलन के माध्यम से आपने अभी पिछले दिनों प्रदर्शन किया उसके बारे में हमें जानकारी दें जी। डॉक्टर श्रीकांत धन्यवाद, धन्यवाद कौशल जी। मैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? बिल्कुल सुनाई दे रही है जी जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ जिस प्रकार का हमने एक विरोध प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट किया उसके बारे में जानकारी दूंगा और आगे की हमारी जो स्टेप्स है उसके बारे में बताऊंगा। हम सभी यहाँ के जो समतावादी विचारों में यकीन रखने वाले जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटीज, हम इकट्ठा आकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। आज हमारी एक इसी कमेटी की एक मीटिंग भी है। तो हम जैसा हमें पता चला और इस प्रकार के जब ये हाथरस घटना में, इतनी दर्दनाक अमानवीय घटना में
हिंदुत्ववादी जो अपने हिंदू संस्कार और हिंदू सभ्यता की दुहाई देते हुए नहीं सकते, तो उनके हाथों हमने जब ये जो अन्याय होते देखा और हमें जो चीड़ उत्पन्न हुई, तो हमने यहाँ एक एडहॉक, इट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑन अवर पार्ट। तो हम कुछ लोगों ने इकट्ठा कर सारी संस्थाओं को फोन करके बहुत ही जल्द में एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया था, जो जिसके बारे में आपको पता है, हमने आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको भेजी थी और हम आपके इस चैनल के माध्यम से कवर भी करने वाले थे। लेकिन चूंकि यहाँ कोविड के चलते बहुत से रिस्ट्रिक्शंस भी है और कुछ इंडिया हाउस के और जो बीजेपी के जो टट्टू जो बैठे हुए है विदेशों में, एनआरआई में भी, तो उन्हीं की कारगुजारियों के चलते हम ज्यादा लोग वहां इकट्ठा नहीं हो पाए। फिर भी हमने कहा कि भाई 6 लोग तो 6 लोग, हम जितने लोग उतने लोग जाएंगे। और हम वहां गए, वहां जाकर हमने विरोध प्रदर्शित किया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने और हमारे अपने चैनलों के माध्यम से भी हमने उसको सारे जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और वहां सबसे महत्वपूर्ण बात हमने यह कही कि भाई हम यहाँ सिर्फ हम किसी न्याय की अपेक्षा से नहीं आए हैं, हम यहाँ विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं हमारे समाज की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से। हमको कमजोर बना, देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भाई राजनीति हो रही है और आपने ये भी कहा कि सार्थक राजनीति होनी चाहिए, तो ये कोई पहली घटना नहीं थी, ये ऐसी घटनाएं होती रहती है। और इसकी वजह है ये संस्थागत जो जाति भेद है या संस्थागत हिंसा का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, तो हमने उसकी विरोधता की। और ये इस संस्थागत जो हिंसा का जो हथियार है, जिसको जाति के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, ये जो इसका इस्तेमाल करने वाली जो शोषक और शासक जातियां है, हमने उनको चेतावनी दी। और बहुत से आगे चलकर, और मैं अभी आपको बता नहीं सकता, और हम उस पर काम कर रहे हैं और आप भी साथ में ही रहेंगी। और नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कोशिश करी कि भाई सबसे ज्यादा लोगों को और साथ में लेकर और एक बड़ा मुजाहरा किया जाना चाहिए और करने जा रहे हैं हम, ताकि भारत में जो बहरे बैठे हुए हैं, भारत के जो हुक्मरान जो बहरे और अंधे बैठे हुए हैं ना, तो उनकी आंखें खुले और उनके कान से उनको सुनाई दे, उनके कान के पास आवाज तो होनी ही चाहिए। तो इतना ही नहीं, हमने यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर जो है ह्यूमन राइट्स की, मिशेल ब्लैचेट, और साथ ही में उसकी जो जनरल सेक्रेटरी है अंटोनियो गुटेरेस, तो इनको भी हमने मेमोरेंडम भेजा है और हमने बहुत पुरजोर उनको रिक्वेस्ट की है कि वो इस पर एक्शन ले। और जो भारत के वहां प्रतिनिधि है, जो भारत के महानता की और भारत की संस्कृति के गौरव की दुहाई देते हुए थकते, तो उनको ये उनको आईना बताया जाए, ये है आपकी हकीकत। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा मनीषा जी, सॉरी कौशल जी, कि ये जो केस हुई, इस केस में भारत की जो तथाकथित सभ्यता है, उसका जो रेप कल्चर है ना, तो उसका असली चेहरा दिखा है। और हमने इस बात का, हमने जो पब्लिक स्टेटमेंट दिया, उसने हम हमने इस बात का उल्लेख किया कि गार्गी से लेकर तो अहिल्या तक, अहिल्या से लेकर तो सत्यवती तक, सत्यवती से लेकर तो द्रौपदी तक, द्रौपदी से लेकर तो शूर्पणखा तक, और साथ में संत मीरा से लेकर ये हमारी जो बच्ची है, निष्पाप बच्ची जो पढ़ना चाहती थी, जो जीना चाहती थी जिंदगी से भरपूर, इस निष्पाप जीवन का जो इसके साथ में जो खिलवाड़ किया गया और उसको खिलने से पहले ही उसको उसको मुरझा दिया गया, उसको उसको मार डाला गया, तो ये इनकी सभ्यता है, ये इनकी परंपरा है और ये बड़े कायर लोग हैं। और साथ ही में मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा भारत के उन तमाम सिविल सोसाइटी के और हिंदी पट्टे के काउ बेल्ट के उन पत्रकारों से, जो उनकी पत्रकारिता को इतनी घटिया स्तर पर, येलो जर्नलिज्म, जाति व्यवस्था को पोषण करने का काम ये लोग करते हैं, ये सारे जातियों के और खास तौर पर शोषक जातियों के जो बुद्धिजीवी है, और ये बार बार इन कायर डरपोक अत्याचारियों को दबंग कह के लिखते हैं, जिस तरीके से वो वेलराइज करते हैं इन कायरों को, तो ये व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम ये शोषक जाति के तथाकथित द्विज दुजन्मा, ये जो दो मुखे सांप है, ये करते हैं। और इसका भी मैं विरोध तय करना चाहूंगा मेरे स्टेटमेंट के साथ में, ये हमने की अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने की, ये सिविल सोसाइटी की ये जो नपुंसकता है, ये जो दोगलेपना है, इसको भी हमको साथ में करना पड़ेगा। और इसके आगे भी हम जल्द ही सब लोगों को, सारे यूके के, यूरोप के जितनी संगठना है, उनको एक बोर्ड पर, वी आर गेटिंग द वन बोर्ड एंड वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बिग मैसिव प्रोटेस्ट हियर
that's what we are going to do. Thank you. जी उससे पहले कि मैं जयंत से बात करूं, मैं अशोक अज्ञानी से, क्योंकि ये होकर आए हैं, मैं जानना चाहती हूं सर आपकी अब आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? अब अशोक सर, अशोक अज्ञानी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अशोक जी का मुझे लगता है ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वीडियो तो हो रहा है। मैं थोड़ा सा चाहती थी कि क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहा है, हाथरस होके आए हैं वो, पहले बोलते ताकि चर्चा और तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी कनेक्ट हो रही है, शायद हो रही है कनेक्टिंग। जी जयंत जी, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके परिचय में भी बताया, हाथरस में आपका एक बहुत बचपन का संबंध रहा है, और ऐसे में ऐसी घटना का हो जाना जाहिर सी बात है बेहद दुखद, मन को दुखी करने वाला एक तरह से है, वो भी तब जब आपके ही रिश्तेदारी में जो हैं, जो वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, मतलब मुझे शर्म आ रही है ये बताते हुए कि इसी कम्युनिटी का, जिस कम्युनिटी की वो लड़की भी है, हाथरस का जो एमएलए है, सांसद है, सिटिंग सांसद, आज ही वो जो जेलों जेल में बंद है अलीगढ़ में, चार लोग ठाकुर जिन्होंने इस बुरी तरह से घटना को, एक तरह से आतंकवादी हैं वो, एक तरह से गुंडा गुंडे लोग हैं वो, जिन्होंने एक बच्ची को इस तरीके से मारा, उनको वो मिलने के लिए गया। कितनी शर्मनाक बात हमारे लिए है, तमाम उन मतलब इस समुदाय को जो दूसरे समुदाय को गाली देने में कभी पीछे नहीं हटता, दूसरे को कोसने के अलावा इसको और कोई काम नहीं आता, और अब जब सारे लोग उसको न्याय दिलवाने के लिए आगे आ रहे हैं, इसके बावजूद भी इतनी शर्मनाक एक तरह से वो स्टेप उठा रहा है कि वो ये लगातार ये कहता आ रहा है कि रेप तो हुआ ही नहीं था, ये तो ऑनर किलिंग है। अब वो जेल में जाके मिलने के लिए भी गया, हालांकि वो अलग बात है कि जेलर ने उसको बिना मिले ही भगा दिया वहां से, तो आपके ही रिश्तेदार हैं वो, आप जी आपके उस एरिया के, मतलब मैं माफी मांगती हूँ आपसे, अगर मैं क्लियर करता हूँ इसको, मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा मिस कन्वर्सेशन हो गया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल जी बताइए। दिलेर जी, इन दिलेर की जो फादर थे किशन लाल दिलेर, वो हाथरस से थे एमपी उस समय, हमारे पिताजी के वो दोस्त थे 1952 से, कांग्रेस में थे मेरे पिताजी, ये बीजेपी के थे जी, पर ब्लड रिश्ता नहीं है हमारा उनसे, जान पहचान बहुत है, ये सही बात है, मगर ये जो लड़की का जो मर्डर हुआ है, जो रेप हुआ, ये मेरे रिश्ते में है, ये मैं कहना चाहता था आपको। अच्छा अच्छा ओके, मेरे ब्लड रिलेशन में। अच्छा मैं इसको थोड़ा वैसे समझ गई थी कि जी कोई बात नहीं, वांट टू मेक इट क्लियर कि जो मनीषा की जो जिसकी हत्या की गई है, ये लड़की मेरी ब्लड रिलेशन में है, क्योंकि मेरी जो भांजी है उसकी बेटी की शादी वहां उसी घर में हुई है ये। अच्छा, और मैं हाथरस गया था, मेरी दादी जो थी जो गुजर चुके हैं 93 में, वो हाथरस से थी, उनका ननियाद हाथरस में था, तो वो रहती तो आगरा में थी, मेरे पिताजी आगरा में थे पैदा है, मगर मैं एक बार जब आगरा अपनी दादी से मिलने गया था, बहुत अटैच थे अपनी दादी से, तो वहां नहीं मिली, तो उन्होंने मुझे घर में बताया कि वो तो हाथरस गई है, मिले वो बहुत नजदीक है, तो मैंने कहा अच्छा मुझे रास्ता बताओ कैसे जाना है, तो उन्होंने मुझे कागज पे लिख के मैंने सब लिख लिया, तो मैं हाथरस गया, और इसी जगह पे गया, वही टेम्पो से लद के, मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, धुंधली याद है, क्योंकि ये बात 91 की है शायद, तो मैं गया और वहां दादी से मिल के आया, तो वही 5-7 घर थे गरीबों के, वही गली थी, वही खेत है, खलियान है, सब कुछ वही है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उस लड़की के परिवार का नंबर लेने की, मेरे पास नंबर आ नहीं पा रहा, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद किसी वजह से कहीं पे, मैं इस कोशिश में हूं कि उनका नंबर मुझे मिले उस परिवार का, और फिर हमारी बात हो उनसे, मैं इस कोशिश में हूं, और देखिए क्या होता है अभी, बाकी तो मैं बताऊंगा मैं क्या सोचता हूँ, मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए इस चीज पे। अशोक अज्ञानी जी का कोई बात क्या हुआ, उनको कनेक्ट नहीं हो पा रहा उनका? हाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मैं माफी चाहूंगी तमाम दर्शकों जी, तो मैं चाहूंगी कि मैं इसका बताऊंगा कि ये मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में बताऊंगा आपको, पर ये मर्डर है, ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी और प्री प्लान्ड मर्डर, इसको बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है, ये बहुत साजिश के तहत की गई है केस, और ठाकुरों का गांव है वो, आज भी जो पैसे लेते हैं सामान खरीदते हैं जो अछूत दलित,
उनसे वो हाथ में नहीं पैसे लेते हैं, वो पैसे वहां रख देते हैं सामने, उसको धो के वो रखते हैं। ये हालत है वहां उस गांव की, और 12-15 घर है वहां पे सिर्फ। और अब मैं आपको बताऊंगा, सारे मीडिया जर्नलिस्ट ने सारी रिपोर्ट्स में सब कुछ ने, डीएम ने, एडीजी ने, जो प्रवीण कुमार है वो जयपुर से है बेसिकली, जहां मेरे जीजा रहते हैं, उन्होंने मुझे था, उसका घर भी कूड़ों से भर दिया वहां के दलित लोगों ने, मतलब वो गुस्सा अपना उतारा उन्होंने, मगर इनको तो अभी तक रिमूवल फ्रॉम सर्विस नहीं किया। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन तो कुछ भी नहीं होता, सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। इनको तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस, इनको पर चार्ज लगने चाहिए। परिवार तो इनसे भागने से भागना चाह रहा है, बच के की ये धमकी दे रहा है, उसने डीएम ने लात मारी उनके ताऊ की छाती पे, और डीएम ने उनको धमकी दी है कि 25 लाख मिल गए और ये मिल गया और वो मिल गया, कोरोना में मरती। और मैं अपनी तरफ से उस डीएम तक को आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि तू अपनी लड़की किसी वाल्मीकि 4 लड़कों के हाथ में दे दे, मैं तुझे 26 लाख कैश दूंगा तेरे हाथ में, मैं दूंगा तेरे को, उसका हम यही हशर करेंगे जो तू सौदा कर रहा है उस लड़की की इज्जत का, उसको मार दिया, उसके साथ अन्याय करके हीनस क्राइम किया, इतनी गिर चुके ये लोग, और उसको 26 लाख देकर उस पर तुम एहसान कर रहे सिस्टम, क्या क्या होते हैं 26 लाख? उसका दर्द क्या 26 लाख की मलम से पूरा हो जाएगा उनका दर्द? ये जो कलंक इन्होंने पूरे दुनिया भर में लगा दिया भारत के ऊपर, ये क्या मिटा लेंगे 26 लाख से, योगी या मोदी या जो भी हो, ये बताएं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वहां के जो एडीजी के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है प्रशांत कुमार जी, वो इस तरीके कमेंट दे रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं और ये नहीं वो नहीं, अब उनका मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में, एक चाइल्डिश कमेंट करे उन्होंने, एक बड़े इररिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की भूमिका उन्होंने निभा दी। एक इंटरनेशनल अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पढ़ लेते तो बड़ा क्लियर है सेक्शन वहां पे। और बताऊंगा मैं आपके आगे क्वेश्चन जब आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए, मैंने बहुत स्टडी करी है इसको। अब जो एडीजी प्रशांत कुमार जो बोला, उन्होंने बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश कमेंट किए हैं। उनकी जो पुराने जो थे आपके जो मिस्टर मिस बरखा दत्त हैं, जो रिपोर्टर ने इंटरव्यू में मीरा बोरवांकर का, और जो फॉर्मर सीपी पुणे की है पुलिस की, और मिस्टर अरविंद लाल बैनर्जी फॉर्मर डीजीपी है यूपी के। जैन जी मैं आपके पास फिर से दोबारा आऊंगी। अशोक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अब आपकी आवाज आ रही है सर मुझे, और हमारे साथ जसवीर सिंह सोनी भी हैं, जो बहुजन सशक्तिकरण संघ के माध्यम से लगातार बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए तमाम अपने से और तमाम फेसबुक देखने वाले लोगों से ये हर शो सुन के कि जो जसवीर सिंह सोनी जिस संगठन में काम करते हैं, जिनके संस्थापक जो जो हैं वो हैं डॉक्टर देवी प्रसाद अशोक, उनके संगठन ने 30 लाख रुपए जो जो अपनी बहन गुड़िया है उसकी माँ के अकाउंट में भेजे हैं। तो हमें न केवल सड़क तक की लड़ाई लड़नी है, बल्कि जैसे बहुजन संगठन संघ काम कर रहा है, अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रहा है, और इससे सशक्त हो रहा है परिवार। हम मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ जो संगठन है बहुजन सशक्तिकरण संघ, और इनडायरेक्टली जिस तरीके से एक तरह से मदद की वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी क्योंकि लगातार जब कोर्ट में हियरिंग होगी तो माँ बाप की परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब तक आप पैसे से समाज को सशक्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन अधूरे हैं, क्योंकि सरकार घोषणाएं करती है, सरकार ने भी की है, कोई जरूरी नहीं है कि सरकार अभी पैसा दे भी देगी। अगर ये मुकदमा चलता है तो जाहिर सी बात है लंबा मुकदमा होगा, और उनका घर बिल्कुल एक तरह से गरीब परिवार है घर, और संघ के माध्यम से जो दिया गया उसका पैसा, ये एक बड़ी मदद है, जिसमें मैं बिल्कुल मतलब आश्वस्त हूँ और आशावाद हूँ तमाम संगठनों ने, न केवल वाल्मीकि समाज बल्कि तमाम संगठनों ने, बहुजन सशक्तिकरण संघ ने पैसे देकर उस परिवार के हाथ मजबूत किए हैं। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए मैं समझती हूँ हमारे बीच में अशोक अज्ञानी सर भी हैं जो लगातार राजनीतिक रूप से भी दखल देते हैं और सामाजिक रूप से भी। एक पहलू ये भी एकदम हम सबको सामाजिक आंदोलन के लोगों को ये जरूरी ध्यान में रखने की जरूरत है कि लड़ाई अलग अलग तरीकों से लड़ी जाती है और मदद कोई अलग अलग करता है। तो कि श्रीकांत बोरकर जी इंडिया आए और आके राजनीति के माध्यम से ही मदद करें परिवार की, उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से एक दबाव
इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है, वो एक इम्पैक्ट डालता है सरकारों के ऊपर, तो ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह जयंत ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से, तमाम ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के माध्यम से भारत के गवर्नमेंट को चेता रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं, मांग भी है इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से, ये एक सशक्तकरण का एक माध्यम है। ठीक उसी तरह जसवीर सिंह सोनी जो हमारे बीच में, मैं चाहती थी कि वो खुद अपनी ये चीजें कैसे मदद की उन्होंने और कैसे वो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं शुरू से, वो भी अपनी बात रखते, तो क्योंकि गांव देहात से हैं तो कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। हम लोग दिल्ली में हैं तो थोड़ा सा इंटरनेट चल भी जाता है, लेकिन बाहर में बड़ा मुश्किल होता है। जसवीर सिंह सोनी सर, आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आप कोशिश कीजिएगा कनेक्ट होने की, क्योंकि आपका वर्जन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हमारे इस संगठन ने जिसके संस्थापक देवी प्रसाद सिंह अशोक जी हैं, उन्होंने एक अच्छी आर्थिक मदद की है और लगातार हर तरह से परिवार को सशक्त करने के माध्यम से जुटा हुआ है, तो आपकी आवाज आना बहुत जरूरी है। जसवीर आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जसवीर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है जसवीर जी जब तक कनेक्ट करें। अशोक सर मुझे ये बताइए कि आपने खुद वहां आंखों देखा है और आप लगातार इस मुद्दे पर रहे हैं, आप क्या कैसे देखते हैं इस सारे जो ये जो एपिसोड हुआ, जो दुर्घटना हुई है, हीनियस जो क्राइम हुआ है, अशोक सर जी? धन्यवाद रंजी। देखिए ये जो इश्यू है ये टोटली जातिगत आधारित है, जातिगत भेदभाव आधारित है, और जो इनके दिमाग में जो मनुप्रिय जितने लोग हैं ये इनके दिमाग में जाति के आधार पर जो कमजोर तबके हैं उनके ऊपर ये अपना आज भी हक समझते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारी मेहनत हो, चाहे हमारे घर बार हो, तो ये आज भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं। और ये जो टोटल जो आज देखने में मिल रहा है, जो जितना भी ये ठाकुर समुदाय अपर कास्ट जातियां हैं, तो ये तमाम लोग आज भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वहां का जो सांसद है, जो वाल्मीकि समाज का सांसद है हाथरस से, उसका मैंने ऑडियो सुना जो रिकॉर्डेड किया कि इन्होंने फोन किए, उन्होंने कहा जी इनका तो हो गया है 25 लाख रुपए में, इनके सब दे दू करके नौकरी और सब सेटल हो चुका है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ और इसमें सेटल होने दो, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और वहां का जो विधायक है वो भी वहां वाल्मीकि है। अब सवाल ये क्योंकि वो खुद अंडर प्रेशर में है, क्योंकि ठाकुर और अपर कास्ट बहुल एरिया है और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जब मैं वहां पर गया तो पुलिस वालों ने हमें रोका वहां पर, हम वहीं पे धरने पे बैठ के बैरिकेड के सामने पूरा दिन वहां बैठे रहे, रात को और पूरे दिन बैठे रहे वहां पर 10 बजे तक, जब तक मीडिया को अलाउ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये कि सबसे पहले उस परिवार को वहां से निकालना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं आर्थिक रूप से या कानूनी रूप से, जिस तरीके से भी उनके पास शक्ति है, किसी भी तरीके से हम चाहे उसको शहर में दिल्ली में किराए पे फ्लैट लेना पड़े या कुछ और व्यवस्था करनी पड़े, उस परिवार को सबसे पहले वहां उस गांव से, उस इलाके से निकालना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पर पंचायत कर रहे हैं, खाप पंचायतें कर रहे हैं अपर कास्ट ठाकुर, जिस तरह की वहां पर थ्रेट आ रही है, वीडियो पे चल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक तरफ तो वो कर दिया कि भाई हमने मीडिया को अलाउ कर दिया है, अब हम सबसे बात करने दे रहे हैं, लोगों को अलाउ कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को अलाउ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इन्होंने क्या किया, अपने गुंडे मवाली छोड़ दिए, उन गुंडों से पिटाई करवा रहे हैं। वहां पर सिविल ड्रेस में अपर कास्ट पुलिस वाले वहां पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उनको धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और जो अंधेरे में या साइड में कोई दिखता है उसको पिटाई भी कर रहे हैं। इस तरह का वहां पर माहौल वहां पर हो रखा है। तो वैसे भी SC ST एट्रोसिटी एक्ट में हमने मांग की है कि भाई इनको सबसे पहले यहाँ से निकाल के रिहैबिलिटेट करो, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि अगर इस तरह की किसी परिवार के साथ एट्रोसिटी होती है तो उस फैमिली को वहां से तुरंत वहां से रिहैबिलिटेट करके शिफ्ट करना पड़ेगा, पुनर्वास करना पड़ेगा, जिससे कि केस को किसी भी तरह इन्फ्लुएंस नहीं किया जाए, उसमें उनको प्रेशर बना के कोई समझौता ना किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं वहां पर। देखिए एक ही वो है कि जो आर्थिक और ये जातिगत गैर बराबरी है उसके चलते वो आज भी अपने बाप का राज समझते हैं अपर कास्ट, और इसीलिए हमें उसको परिवार को वहां से निकालना है। और हमने पूरी कोशिश की है, NHRC में भी हमने मैटर को फाइल कर दिया है, और अभी मैं चीफ जस्टिस को हमने पूरी पिटीशन बना दी है, मैं चीफ जस्टिस को परसों तक वो तमाम पिटीशन हम फाइल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। और एक बड़ा सवाल जो आज आज की नई जो ताजा
आज के नहीं है, चल ही रहा है वैसे शुरू से, लेकिन लगातार अब जो मीडिया भी दिखा रहा है, खासकर मेन स्ट्रीम का मीडिया, कि ये ओनर किलिंग का मामला बनाया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ऑनर किलिंग तो है नहीं ना, और ऑनर किलिंग होती तो उसका परिवार के लोग उसको उसको मारते लड़की को कि भाई आपने लव मैरिज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, तो वो लोग करते। ऑनर किलिंग तो ये है नहीं ना, ये तो सीधा सीधा रेप है और मर्डर है जो उन्होंने अपर कास्ट ने किया है, जातिगत दुर्भावना से। कोई रंजिश रही होगी पुरानी, मगर है जातिगत वो ना कि भाई ये लोग हमारे साथ कैसे लड़ सकते हैं। कोई रंजिश भी रही होगी क्योंकि वो डीएम कह रहा है बार बार उस बात को, कह रहा था भाई तुम लोग कौन हो इस बात को देखो, वो इस बात को फोर्स कर रहा था कि ये बताए कि भाई तुम तो जाति से तुम तो बिल्कुल तुम तो नीच हो, छोटे हो, तुम हमारे सामने ठाकुरों के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम बयान नहीं बदल रहे हो, तुम समझौता नहीं कर रहे हो, तुम पैसे नहीं ले रहे हो, क्यों इतनी बवाल मचा रहे हो, तुम अपनी औकात को देखो। तो ये उस बात को बार बार डीएम जिस तरीके से थ्रेट कर रहा है, जिस तरह से बता रहा था, और भी लोग इस समय कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई ये तो सबसे नीची जाति के लोग हैं, सफाई कर्मी जाति के लोग हैं, इनके पास कोई राइट नहीं है। वो जो मनुस्मृति में है कि वो गंगा जल छिड़को और इनकी बहन बेटियों को ले जाओ, वही हालत ये है। आज योगी जी तमाशबीन बने बैठे हैं, मुख्यमंत्री तमाशबीन बना बैठा हुआ था वहां पर इतने दिनों से, और उन्होंने देखा नहीं डीएम किस तरह धमका रहा है, और ये सिर्फ एसपी और ये पुलिस वालों को कुछ को इन्होंने बर्खास्त करके, जो मेन है वहां पर डीएम, जो कि योगी जी डायरेक्ट उसके टच में थे, क्योंकि वो जो ठाकुर समुदाय और योगी जी खुद मुख्यमंत्री ठाकुर समुदाय से हैं, तो यही वजह है, यही कारण है कि हमें जातिगत कमजोर समझ के वो अपने को हमारा हमारे ऊपर अधिकार समझते हैं कि हमें तो जैसा बोलेंगे हम तो नौकर हैं उनके, हमें जिस तरह बोलेंगे वैसे ही हमें मैनिपुलेट कर लेंगे, वैसे ही हमसे बात करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी जितनी भी समाज की शक्ति है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमें उनको वहां से निकाल करके दिल्ली जैसे शहर में या कहीं पर उनको शिफ्ट करना है, जिससे कि उस केस को, ये केस अब चुनौती बन गया, अब हमारे अस्तित्व की बात है। अगर इसको आज वाल्मीकि समाज ने, तमाम लोगों ने अगर मिल करके इस केस के अंदर अगर हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट सेट नहीं किया अपनी यूनिटी का, अगर एग्जाम्पल्स अगर नहीं सेट किया, तो पूरे देश में हम इसी तरह पिटते आ रहे हैं और पिटते रहेंगे, और भी ज्यादा स्थिति खराब होगी। तो इसलिए मैं इस बात को बार बार कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी शक्ति उनको वहां से निकालने की लगानी चाहिए पहले, क्योंकि कानूनी लंबी लड़ाई है, रातों रात कुछ नहीं होता। सबसे पहले उसको हमें प्रोटेक्शन के रूप में कह करके वहां से, चाहे कोर्ट से ऑर्डर लेने हो, चाहे सरकार से लेने हो, उनको यहाँ पर हमें दिल्ली शिफ्ट करना चाहिए या किसी और सुरक्षित स्थान। शुक्रिया कौशल जी। मैं अज्ञानी जी से, अशोक अज्ञानी जी से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। दरअसल स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी जो है, किसी भी एट्रोसिटी के बाद में जो कानूनी निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केस में दिए गए जो उनके ऑब्जर्वेशन से उसके अंतर्गत, उस वहां से उनको निकालना, ये सबसे पहल होनी चाहिए। और इसीलिए मैं सारे लोग जो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं उनके कांटेक्ट में है, जैसा कि जयंत जी भी है और आप भी वहाँ है और आपके अलावा और भी साथी है, तो उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो जल्द अज जल्द, आपने एक और जिक्र किया कि बहुजन सशक्तिकरण संघ ने वहाँ उनके कैश ट्रांसफर किया है, सो कैश ट्रांसफर इज अ रियली गुड वे ऑफ हेल्पिंग द पीपल, बट देन हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जो जाति, वो जाति व्यवस्था नहीं है, भारत की जाति अव्यवस्था है, और ये जाति अव्यवस्था ब्राह्मणों ने आर्य के आक्रमण के बाद में, बुद्धिज्म के नाश काउंटर रिवॉल्यूशन के बाद में ये कायम की है, और ये अव्यवस्था वही मजबूत है जहां हमारे लोग कम हैं और उनके लोग ज्यादा हैं। जिस प्रकार से अशोक जी ने बताया और जयंत जी ने भी जिक्र किया कि ये चार पांच घर, उनकी इतनी औकात नहीं है, और उनकी वो जो दबंगाई है ना, ये जो झूठी दबंगाई है, वो कभी भी वन बाय वन और आमने सामने और बराबरी में लड़ना नहीं चाहते, और ना कभी लड़े हैं। आर्य ब्राह्मणों ने और उनके सारे जो दुमछल्ले और कुत्ते हैं, जो त्रिवर्णिक है, ये जो त्रैवर्णिक है ना, सुवर वर्ण के लोग, ये त्रैवर्णिकों ने हमेशा मजलूमों को, गरीबों को दबाया है। तो जहां हमारी संख्या कम है वहां उनकी ताकत और उनका खून जोश, मुगलों के सामने उनका खून गर्म नहीं हुआ कभी, वो गर्म कब होता है, जो जो भीरू लोग है, जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, जिनको कभी इतना अबंडेंस था कि हमने इन भिखारियों को, ईरान और तुरान से आए हुए इन भिखारियों को हमने जमीन दी, हमने रहने को इनको, इनको टुकड़े फेंके, इनको, इनके साथ अन्न शेयर किया हमने, इनके साथ रोटी तोड़ी, इसका ये मुआवजा आज हमें ये दे रहे हैं।
तो अशोक जी ने जो कहा फर्स्ट 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 अटमोस्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी शुड डू इज रिहेबिलिटेशन एंड ट्रांसफर ऑफ दोज। और सिर्फ एक घर नहीं, वहां के जो हमारे 15 घर है वो 15 के 15 घरों को एक घर में पैसे देने के बजाय 15 के 15 घरों को रिहेबिलिटेट करने का काम करना चाहिए। और वो जो टेसुए बहाने गए थे ना, जिनके राज में इससे भी जघन्य हत्याएं हुई है, सार्थक राजनीति की बात आपने की, एकदम सही सवाल वर्ड आपने इस्तेमाल किया, राजनीति हो लेकिन सार्थक हो। सार्थक राजनीति अगर करनी है तो उन लोगों को ये नहीं प्रेशराइज किया जाए कि वो वहां से उनको रिहेबिलिटेट कर ले, वो घर वहां से हटाया जाए और उनको शहरों में प्रस्थापित किया जाए। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो गांव है ये जो गंगा जमनी संस्कृति है ना, आई वुड से फक ऑफ योर गंगा जमनी संस्कृति एंड आई वुड से फक ऑफ योर हिंदू संस्कृति, बिकॉज ये संस्कृति हमारे खून, हमारे हत्याओं और हमारे बलात्कारों पर टिकी है इनकी संस्कृति। लेकिन खेत खलियानों की बात करते हैं, सुजलाम सुफलाम की बात करते हैं, ये कायर नपुसक ईरान तुरान के भिखारी, ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति उनकी हमारे खून पर टिकी हुई है। इसलिए सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये जो गांव है, ये जो इनकी गांव की संस्कृति है जिसके बड़ा रोमांटिसाइजेशन होता है, ये गांव हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप से कम नहीं है। जिस प्रकार से नाजियों ने जू लोगों को मारने के लिए गेस्टापो ने वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप चलाए थे, तो हमारे जो ये जो गांव है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते, गांधी मरते मरते रामराज की बात कर गया, ये वो रामराज है जिसके लिए गांधी मरा था और मोदी ने इसको कायम किया, और वो जो रोगी है वो इसको कायम करने की कोशिश कर रहा है, ये इनकी व्यवस्था अव्यवस्था है इनकी। तो हमारे लोगों को गांव को छोड़ना पड़ेगा, जमीन का जो मोह है उनका, चार पांच गांव चार पांच परिवार एक गांव में रहते हैं तो ये जाकर करते हैं हमारे पर। इसलिए हमारे लोगों को मैं दरख्वास्त करूंगा और कार्यकर्ताओं को जो ग्रास रूट पर है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट करें, जैसा अशोक जी ने कहा एकदम सही कहा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी शुड डू रिहेबिलिटेट। डॉक्टर श्रीकांत, एक सवाल आपके लिए है, दिस यू शुड नॉट कन्फाइड टू वाल्मीकि बट टू होल्ड सोसाइटी, व्हाट डू यू से? या बट देन आई एग्री विद यू, बट देन एट द मोमेंट Yes. जयंत, would you like to respond? हाँ जी, मैं दोबारा पूछिए सवाल, मैं आपको, मैं तो वैसे कुछ और कहना चाह रहा था पर आप पूछिए सवाल। This issue not confined to Valmiki but to whole society. हाँ जी, वो Ranveer Singh saying. You continue, Dr. Shrikant. Yes. Just let me conclude, Manisha ji. Thank you, Jayant ji. So, what I was trying to say that this particular modus operandi या काम करने की जो rehabilitation जो है, जिनके साथ victimized community जो है, जिनके साथ ऐसी जघन्य हत्याएं हो रही है, देखिए दक्षिण भारत के सुंदूर से लेकर महाराष्ट्र के खैरलांजी से लेकर आज हाथरस तक, और फिर वो पहले आपके उत्तर प्रदेश में और दो बहनों को भी इसी तरीके से चार पांच साल पहले बलात्कार करके फांस करके लटकाया गया था, ये सारे केसेस में जो जो पीड़ित कम्युनिटी है वो कम्युनिटी इसलिए पीड़ित है क्योंकि उन गांव के आर्थिक कृषि अर्थव्यवस्था की अव्यवस्था के चलते, जो जाति व्यवस्था पर टिकी हुई है उससे आधारित है, इसके चलते ये होते हैं। इसलिए उन गांव के उन जो एट्रोसिटी प्रोन गांवों के वो जो छोटे तबके है, चार पांच घर है, 15-16 घर है, उन घरों को शहरों में स्थानांतरित किया जाए। और अगर ये सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार तो इस पर चलती है ना, सरकार की दलाली, सरकार का राजनीति जो गंदी राजनीति है, दोगली राजनीति इस पर चलती है, सरकार नहीं करेंगी, हमारे दलाल और भावी भी ये नहीं करेंगे, तो हमारे जो बहुजन सशक्तिकरण संघ जैसे लोग है, हम भी उनको कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं आती हूँ आपके पास फिर से, मैं से पहले अशोक अज्ञानी सर से कुछ जानना चाह रही हूँ कि सर अभी तक की क्या क्या अपडेट है, प्लीज थोड़ा सा बताइए विस्तार से कि अभी तक का एट प्रेजेंट इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई। देखिए अभी तो डेवलपमेंट ये है कि एक तो प्रेस ने वहां पर जाकर के तमाम उनके जो जितने भी इन्होंने एक अफवाह फैला रखी थी कि भाई अब उनका समझौता हो गया, ये हो गया है, वो सारी चीजें, उनको बंधक बना रखा था परिवार को, तो प्रेस के वहां से जाने से, एंट्री करने से, एक तो तमाम उन लोगों ने जिस बहादुरी के साथ उस परिवार ने एक तो अपने बयान दिए कि भाई डीएम वगैरह के खिलाफ, और बताया किस तरह हमारे ऊपर अत्याचार करे, खाना भी नहीं खाने दिया हमें, प्रेशराइज कर रहे थे। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, एक चीज और जोड़ लीजिए,
कि लगातार ये सूचना आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि परिवार ने जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम इतने पैसे देंगे, नौकरी देंगे, पक्का मकान देंगे, परिवार ने इसको डिनाय कर दिया, क्या ये बात? बिल्कुल ठीक है, राइट है। वो कल उन्होंने प्रेस में ही कर दिया था कि हमें आपकी नौकरी 25,000 रुपए या कोई 25 लाख जो भी है हमें नहीं चाहिए, हमारी बेटी हमें लौटा दो। उन्होंने इस तरह से बिल्कुल बहादुरी के साथ एक बोल्ड ये स्टेटमेंट पूरे प्रेस के सामने उन्होंने दिया कि हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। और जबकि इन्होंने 25 लाख रुपए मेरी सूचना के आधार पे उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिए सरकार ने, लेकिन परिवार ने स्पष्ट रूप से कह दिया हम इस पैसे को छुएंगे नहीं, अपना पैसा वापस लो। तो ये इस तरीके से बहादुरी के साथ परिवार लड़ रहा है और उनके साथ लड़ने में हमें भी बहुत वो लग रहा है कि गर्व कि हम भी एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं और इससे पूरे समाज के लिए एक होगा। कुछ हमारे लोगों ने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ हमारे दलाल टाइप के लोगों ने कोशिश की कि भाई उनपे प्रेशराइज करके उनको भेजा उन पार्टियों ने कि भैया इनको बोलो कि समझौता कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात ये कि एक वो जो बंधक बनाया हुआ था वो बंधन खत्म हुआ और जो कुशवाहा एडवोकेट कुशवाहा वो मैडम वहां पर गई, उन्होंने वहां पर तमाम डिटेल्स दी है, वो पूरी तैयारी कर रही है, सीमा कुशवाहा जी वो पूरी तैयारी कर रही है उसको केस लड़ने की, एक अच्छी बात है। और दूसरा ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर जा रहे हैं मैं तो इसको पॉजिटिव वे में देखूंगा, चाहे ये जितना हल्ला मचाए क्योंकि उससे एक माहौल क्रिएट हो रहा है, ये एक माहौल क्रिएट हो रहा है और ये मजबूर हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। देखिए पहला मौका है जयंत चौधरी जैसे लोग या दूसरे लोग वाल्मीकि परिवार के घर में बैठ करके राहुल गांधी प्रियंका गांधी उनको गले लगा रहे हैं, उनको बैठ के रोटी सेक रहे हैं और ये कर रहे हैं और फिर दूसरा बाहर हल्ला मचा रहे मर्जी सेके, बट ये मीडिया कवरेज दे रहा है की वजह से मेन स्ट्रीम का मीडिया भी मजबूर हुआ है उठाने में, मजबूर हो रहा है, लाठियां बज रही है तो उनको भी दिखा रहा है मीडिया की क्यों लाठियां हो रही है, लोग जा रहे हैं तो एक अच्छी बात है। मैं इसको 14 दिन तक हॉस्पिटल में थी ना लड़की यहाँ सफदरजंग में, तब कोई नहीं गया, कोई सुनाई दिखाई दिया है सोशल मीडिया पे, कहीं सोशल मीडिया पे उन चारों ठाकुरों के जिक्र आपको कहीं दिखाई दी, कहीं कोई ये मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ, सकारात्मक रूप में। ममता बनर्जी ने भी जो घोषणा की है, प्रदर्शन किए, पूरे गली गली में प्रदर्शन हो रहे हैं, भले ही लोग अपनी, देखिए हर आदमी अपने अपने पॉइंट। एक चीज और मैं ऐड करना चाह रही हूँ फिर आती हूँ मैं जसवंत और डॉक्टर श्रीकांत के पास, क्या इसमें SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया अभी तक? उन्होंने SC ST एट्रोसिटी में तो खुद मंजू दिलेर ही है वहां की। हाँ नहीं, लेकिन क्या इन्होंने SC ST एक्ट का उन्होंने FIR में जिक्र किया है, लेकिन जिस तरीके से इनको लगाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है उसको। अभी अभी हम इसी बात को मांग कर रहे हैं कि ये जो टोटल जो मैटर है ये SC ST एट्रोसिटी का है, SC ST एट्रोसिटी लगते ही जितने भी SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगते ही एक तो जितना भी ये जो संभावना है ना जो समझौता कराने की जो चालबाजी कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि SC ST एट्रोसिटी एक्ट में किसी भी तरह आप समझौता नहीं करा सकते, कोर्ट ही जो वर्डिक्ट देगा, कोर्ट में जो फैसला आएगा वही माना जाएगा। आप किसी को इन्फ्लुएंस करके अगर समझौता कराते भी है तो इनवैलिड होगा। तो ये एक SC ST एक्ट लगाना अभी हमारी प्राथमिकता है और उसके तुरंत उसमें गवाहों को प्रोटेक्शन देना, परिवार को प्रोटेक्शन देना और उनको पुनर्वास करके सुरक्षित स्थान पे ले जाना, ये SC ST एक्ट में ऑलरेडी है। और दूसरी बात ये कि 25 लाख रुपया भैया हम नहीं लेंगे, उसका मुख्यमंत्री ने जो ये हमें दान दे रहे हैं, जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट में इस तरह के केस में अगर वो घटना हो जाती है तो 8,25,000 रुपया इमीडिएट परिवार को पे करना होता है। तो हमें जो एज पर लॉ जो SC ST एक्ट में है हमारे 8,25,000 रुपया हमें दो और हमारे जितने भी हमें पुनर्वासित करो, हमें सुरक्षित जगह पर और लीगल एड वगैरह जो भी है तमाम चीजें दो। तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह SC ST एक्ट को इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जाए और सबसे पहले उनको वहां से निकाला जाए। और अब दूसरी बात ये कि CBI की जो इन्होंने ये मैं भी इसको हमारी मांग भी थी और ये कि मैं इसको अच्छी चीज मानता हूँ क्योंकि CBI का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और CBI अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। तो अगर हमें फिर UP नहीं जाना पड़ेगा, CBI को हम इन्फ्लुएंस करने के दिल्ली में कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस यहाँ पर है, कार्यालय यहाँ पर है, तो हमें एक बहुत बड़ी राहत ये मिल जाएगी जो हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको हेल्प कर रहे हैं। हम आए दिन यहाँ पर PM हाउस को PMO को और यहाँ दिल्ली में नई दिल्ली को यहाँ रोक करके
यहाँ धरने प्रदर्शन करके उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि सीबीआई सही तरीके से काम करे। अब वहां पर उत्तर प्रदेश में हम रोज तो जा नहीं सकते हैं, और वहां पर हाथरस उस गांव में, और फिर वहां पर उनका वर्चस्व है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पुलिस और सारी शक्तियां हैं, तो वहां पर हम किसी तरह जो सीबीआई को जो जांच इन्होंने गलती से जैसे भी कर दी है, तो सीबीआई को हम सीबीआई से काम ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर है, और अपना पीएमओ सरकार भी सारी यहाँ पर है, और सीबीआई का भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है, तो हमें आसानी होगी। जो दिल्ली का वाल्मीकि समाज है, बहुमत, प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, प्रॉब्लम कहाँ है? अगर जो एक तरह से सीबीआई की बजाय जो लगातार जो कहा जा रहा है कि कोर्ट के माध्यम से, जज के माध्यम से एक तरह से पूरा का पूरा केस किया जाए, जो परिवार जो देखिए उसकी तो जरूर देखिए, आपको लगता है, मैं अज्ञानी सर मैं आपके पास आऊंगी, हमारे बीच में है डॉक्टर बीपी अशोक जी। नहीं, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये सीबीआई की जांच तो एक तो ये हो गई है, दूसरा हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट पेटिशन करके मॉनिटरिंग के लिए उसको अपील कर सकते हैं, और वो इन्वॉल्व हो सकता है सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर श्रीकांत, उससे पहले कि मैं डॉक्टर बीपी अशोक जी के पास आऊँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ ये जो नार्को टेस्ट जो परिवार का करवाया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक न्याय संगत, इज इट जस्टिफाइड टू प्रैक्टिस? कौशल जी, मैं सभी साथियों को और आपको, और आपके माध्यम से जो इस सारे जघन्य हत्याकांड की वजह से जो 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 अस्वस्थ और जो साथी जो इसमें पीड़िता को और हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को एक जानकारी बताना चाहूंगा कि ये जो ब्राह्मण बनियाओं की और उनके जो जंगली कुत्ते हैं, उनकी जो ये सरकार है, इन सरकार किस हद तक गिर सकती है कि मुझे अभी एक सुनने में आया, मैंने पढ़ा है, ये द जस्टिस न्यूज करके एक वेबसाइट है, उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंबई स्थित एक कंसेप्ट पीआर नाम की एक प्राइवेट संगठन को जो एडवर्टाइजमेंट करती है और जो आपके पब्लिसिटी को हैंडल करती है, तो उसको उसको उन्होंने काम से लगाया है, और वो संगठन, उस संगठन ने, उस कमीनी संगठन ने, उस राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही संगठन ने, जिसकी अपनी बहु बेटियां नहीं होंगी, वो जो पीआर कंसेप्ट पीआर वाला जो है, जो ये एडवर्टाइजमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसकी अपनी बहु बेटियां, वो मां के पेट से पैदा नहीं हुआ होगा, तो उस पीआर वाले कंपनी ने बंबई स्थित, मैंने कार्यकर्ता से बात की है, वो उसकी खोजबीन हो रही है अभी जरा, तो उसने सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो न्यूज एजेंसीज है उनको लिख के भेजा है कि बोले बलात्कार हुआ ही नहीं, ये तो ऑनर किलिंग का मामला है। तो इस तरीके से इतनी घटिया, इतनी गलीज हरकत तक ये गिर सकते हैं, यह है इनकी संस्कृति। और इस तरीके से ये जो नार्को टेस्ट का जो शगुफा है, ये शगुफा भी उसी तरीके से छोड़ा हुआ है। पहले नार्को टेस्ट और सीएम के साथ में सभी की होनी चाहिए कि उनकी कितनी संलिप्तता है, और डीएम की भी होनी चाहिए, और साथ में उन लोगों की, जब फर्स्ट फेज में, जब ये तो मैं धन्यवादी हूँ और लोकल छोटे पत्रकारों का, जिन्होंने बेचारों ने छोटे छोटे वीडियो बनाकर ये बाकी के जो जो जंगली भेड़िए है, ये तो बाद में खुले ये राष्ट्रीय मीडिया वाले, वो जो ये जो मेन स्ट्रीम वाले, लेकिन जो छोटे वहां के जो खोजी पत्रकार है, उन्होंने जिस तरीके से छोटे छोटे वीडियो पहले दूसरे फेज में जो फ्लोट किए, उस वक्त भी एक दरबान एसपी है, वो कहता है कि बोले मैं बात नहीं करना चाहता, वो एक लोकल पत्रकार से, वो कहता है कि मैं बात नहीं करना चाहता, मैं तो दरबान हूं, मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। तो ये जो हमें इनसे सावधान रहना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों से भी, और ये जो ऐसे शगुफे छोड़ रहे हैं कि भाई नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्यों नार्को टेस्ट होनी चाहिए, और नार्को टेस्ट होनी चाहिए उनकी नार्को टेस्ट हो जो इसमें संलिप्त थे, जो उनको मदद कर रहे हैं। जयंत, डॉक्टर लक्ष्मी श्रीकांत सर ने जो कहा है, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि किस तरीके से पहली बार हम जो पीड़ित है उसका नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है, बजाय जो चार लोग जो जेल में बंद है उनका? बिल्कुल सही कह रहे श्रीकांत जी, मैंने वो सारे पॉइंट लिखे हुए यहाँ पे, देखिए मैं यही कहने वाला था, पर चलिए। और देखिए, अगर आप उनकी भाषा समझते हो ना यूपी की, क्योंकि मैं वो बोलता भी हूँ समझता भी हूँ, उन्होंने क्या कहा था, पूरे परिवार को 2-3 दिन नजरबंद किया हुआ था। अगर आप उसकी भाभी की आवाज समझे जो वो क्या कह रही है यूपी की अवधि भाषा में, 2 दिन से भूखे बैठे थे, 150 पुलिस वाले छत पे थे, सारे घर को घेर रखा, वो बंदों के घर में थे, छोटा बच्चा उनके घर में, टॉडलर एक भाभी का,
उसको खाने के लिए नहीं थे, सब्जी नहीं थी घर में, दो दिन का राशन नहीं था घर में। आई थिंक वो बच्चा जो है ही इज ऑन अ ब्रेस्ट फीडिंग, वो मदर का मदर से मिल्क लेता, वो दूध भी नहीं था घर में, वो शायद अपने ब्रेस्ट से मिल्क चम्मच में डाल डाल के उस बच्चे को पिला के उसको सांत्वना चुप कर रही थी, बच्चा रो रहा था भूख से। अगर ये बात किसी के समझ में आई हो, शायद बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाए, वो जो अपनी यूपी की अवधि की भाषा में बोल के वो मीडिया वाले भगा रहे हैं उसको, मैं समझ गया उस बात को वो क्या बोल रही है। यहां तक गिर गई है पुलिस की सरकार। और नार्को टेस्ट आप बिल्कुल कराइए, अब किसका नार्को टेस्ट कर, वो तो पुलिस से बचाव चाह रहे हैं अपना, पुलिस ने तो दबाव भी किया है दबंगों से, वो तो कह रहे हैं हमें पुलिस से बचाओ, और वहां पुलिस भी डाल किए, और वो तो साफ दिख नहीं रहा अपने, डीएम ने लात मारा, डीएम थ्रेटनिंग दे रहा है, और वो मीणा गए पीणा गए, फिर आप क्या बचा रहे हैं, आप तो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। आप तो उनको आपने खुली छूट दे दी कि बस किसी तरीके से मामले को रफा दफा करो, जूते मारो, चांटे मारो, फिजिकल टॉर्चर को, ये तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट्स उसके अंदर आता है ये सारा। ये क्या है, ये बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये क्या कर दिया इन्होंने, पूरे इंटरनेशनल वायलेशन कर रहे हैं, हर चीज को ताल तिखाल पे रख दिया, सारे लॉ एंड ऑर्डर को, किसी को भी नहीं मान रही है। तो कौशल जी जब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा ये केस, और 100% यूपी से बाहर जाएगा, यूपी में तो किसी हालत में नहीं, और अब तक डीएम को और एडीएम को वहां से एजीएम क्यों नहीं हटाएगा प्रशांत, ये तो गवाहों को अब सब कुछ कर रहे हैं ना, इन्हीं के अंडर में सब कुछ, दे आर द होल सोल, दे आर द वन डूइंग एवरीथिंग। समझी मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वो बहादुरी उस बच्चे की, जो छोटा सा बच्चा उस परिवार का खेतों के रास्ते से भाग के, क्योंकि भाभी इनकी बहुत एक्टिव है, भाभी ने कहा किसी तरीके से मीडिया को, उसे पता था कि मीडिया बाहर खड़ा रोक रखा बैरिकेडिंग पे, वो बच्चा देखिए खेतों के रास्ते से भाग के, 10-12 साल का 13 साल का बच्चा है वो, और वो आया बाहर, तब उसने पत्रकारों को सब बताया है। जैन जी हमारे बीच में डॉक्टर बीपीएल जी भी जुड़े हुए हैं, जसवीर जी डिस्कनेक्ट हो गए थे इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से। अशोक सर को मैं ये बताना चाह रही थी कि जैन जी उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, तो इसलिए हम सब जयंत के इमोशंस को, सेंटिमेंटल को समझ सकते हैं। हम लोग आपके साथ हैं, बट एक एक जो एक परिवार का जो एक दर्द होता है, वो परिवार के लोग ज्यादा और ज्यादा अच्छे से भावनात्मक रूप से आप जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्टर अशोक जी हैं, जो लगातार इस मुद्दे पे, जब से ये हुई थी 14 तारीख को ये घटना हुई, तब यूपी में हाथरस की घटना को देख रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे आपका संगठन इसमें काम करता है। हालांकि मैंने तमाम दर्शकों को, फेसबुक मीडिया के लोगों को, सबको आपकी सूचना दे रही, लेकिन फिर भी आप बताएं कि आप कैसे काम कर रहे हैं। देखिए कास्ट एक ऐसी चीज है जिस चीज पर लोगों को बहुत ज्यादा घमंड रहता है, और आश्चर्य की बात है कि इस पर घमंड ना सिर्फ कास्ट को रहता है, सब कास्ट को भी रहता है, और उसी कारण समाज के अंदर दूरियां पैदा होती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी थी एनाइलेशन ऑफ कास्ट, अगर एनाइलेशन ऑफ कास्ट लास्ट समय से बन जाता निश्चित रूप से देश के अंदर एक होमोजेनस सोसाइटी बन जाती, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी जाति के कुओं में रहते रहे और वो डिफरेंसेस बनते रहे लगातार, और आज भी चाहे गलत काम हो चाहे सही काम हो, गलत काम में भी लोग जाति के साथ खड़े हो जाते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, कई लोग अपराधियों के साथ भी खड़े होना चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो पीड़ित के साथ हैं, अच्छे लोग पीड़ित के साथ हैं निश्चित रूप से और रहे हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं वो लोग निश्चित रूप से जाति का सहारा अधिक लेते हैं और उसके सहारे वो उत्पीड़न करते हैं। सबसे पहले पूरे देश को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जाति के खिलाफ कानून पास हो, जाति को प्रचारित करना, प्रसारित करना और जाति पर अहंकार करना, उसके ऊपर नाम लिखना, उसके आधार पर उपनाम लिखना, मोहल्ले बनाना, गाड़ियों पर नाम लिखना, जहां एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, जहां प्रतिनिधित्व के दावे हैं, उसके अलावा उसको अपवाद मान करके अन्य सभी जगहों पर जाति का लिखना, उसका बोलना, उसका पूछना, उसका बताना। यहाँ तक कि मैंने देखा कि लोग बाग मेरे साथ डाला से एयरपोर्ट पे उतरे एक रस्तोगी जी, और वो वहां पर जाकर के मुझसे जाति पूछने लगे, पहुंचे वो जाकर के वाशिंगटन डीसी उतरे हैं, लेकिन उन्होंने वहां भी जाकर के मुझसे जाति पूछी। तो अगर ऐसी माइंड सेट को हम पालते रहेंगे, उसको नहीं रोकेंगे, एनाइलेशन ऑफ कास्ट लॉ नहीं बनेगा देश के अंदर,
तो निश्चित रूप से ये उत्पीड़न रुकना बहुत मुश्किल है, इस पर बहुत बड़ा काम होना चाहिए। और काफी लोगों ने निश्चित रूप से पीड़िता का साथ दिया, पीड़िता के परिवार का साथ दिया, दे भी रहे हैं लोग बाग, और पूरे देश के अंदर जो भी अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव रचनात्मक लोग हैं, वो साथ खड़े हुए हैं। और सरकार ने भी बहुत सी अच्छे डिसीजंस भी लिए, जो ज्ञापन था, जो मांग की थी, उनमें भी कई मांग मानी गई। इसमें पहले ही दिन जिस दिन घायल थी बच्ची, उसी दिन आगरा से जसवीर सिंह सोनी के नेतृत्व में बीएसएस की टीम पहुंच गई थी, और उसी दिन अपील की गई थी कि उसका इलाज अच्छा होना चाहिए। उसमें काफी लोगों ने आर्थिक योगदान भी दिया, और इस तरह से निश्चित रूप से जब वो बच्ची नहीं रही, उसकी पैरवी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके पैरोकार हैं उसकी सुरक्षा के लिए, घर में चाहे सीसी कैमरा लगाना हो, चाहे कहीं कोई रिश्तेदार है, कोई हमराह है, उसके साथ चलने वाला है, या पैरवी के लिए उसको टैक्सी लेकर के जाना है, किराया लेके जाना है, और वो दबाव में ना आए किसी भी तरह से, कहीं उस कगार पे ना पहुंचे कि वो अपने आप को अभावग्रस्त पहुंचे, अभावग्रस्त समझे और उसको दिक्कत आए, तो इसके लिए समाज को पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा बीएसएस ने डेवलप किया है। और उस कंसेप्ट के तहत तो आर्थिक योगदान होता है, जिसमें पीड़ित पक्ष को एक ठोस मदद मिलती है, ताकि अपने वो सुरक्षा को ठीक कर सके, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सके, अगर कहीं घर मकान रोजगार की समस्या है तो उसमें भी उसको लाभ मिल सके। सरकारें हेल्प करती हैं निश्चित रूप से, और SC ST एक्ट में भी हेल्प होती है, लेकिन जब समाज खड़ा होता है पीड़ित के साथ में, पढ़े लिखे लोग खड़े होते हैं, अच्छे रचनात्मक लोग खड़े होते हैं, तो पीड़ित पक्ष को लगता है कि हाँ न्याय है, कि निश्चित रूप से न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इस संबंध में लोगों ने ज्ञापन दिए, BSS ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके ज्ञापन दिया। एक इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पीड़ित पक्ष के साथ जो परिवार वाले हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, कि उनका भी इंश्योरेंस हो, जो उसके साथ रह रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिवार के लोग हैं, उनको लगे कि हमारा भी, हमारी भी सुरक्षा की गारंटी है। जिस दिन SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाए, उसी दिन अगर उसको शस्त्र लाइसेंस चाहिए, वो अप्लाई करता है, उसको लगता है कि हर व्यक्ति को गनर नहीं दिया सकता, लेकिन उसको एक गनर दिया जाए या उसको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। जब भी इस तरह के मामले जो कास्ट के ऊपर हत्याएं होती है, उनमें NS की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें बहुत से लोगों ने डिमांड भी की है, BSS की ये पहली डिमांड थी कि हत्या के मामले में, देखिए अमर सेन ने भी कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, कास्ट से बड़ा एंटी नेशनल कुछ नहीं है। कास्ट ने ही इस देश को बहुत बार गुलाम बनाया, आज भी राजनीतिक गुलामी नहीं है, लेकिन आज भी सामाजिक गुलामी इस कदर है कि लोग एक दूसरे को ये नहीं सोचते कि ये इंसान भी है, आदमी भी है, सब ह्यूमन क्रिएचर मान करके लोग चलते हैं। तो इससे छुटकारा हमें चाहिए, जो युवा पीढ़ी है, जो अच्छे लोग हैं, उन सबको छुटकारा चाहिए। इस छुटकारे के लिए मांग उठनी चाहिए, और जो NSA की कार्यवाही है, हर हत्या के मामले में NSA की कार्यवाही हो, ताकि देश के अंदर और समाज के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित हो। जो SC ST एक्ट वगैरह के मामले हैं, ये समय से इनका निस्तारण हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके मुकदमे लड़े जाएं, ताकि पीड़ित पक्ष को हमेशा बहुत जल्दी न्याय मिल सके। और एक आत्मरक्षा की चीज है, जब तक के लोग सेल्फ डिफेंस के बारे में अवेयर नहीं होंगे, खासतौर से लड़कियां, लड़कियों की हमारे यहाँ कल्चर के लड़कियों को व्यायाम नहीं सिखाते, ये मान के चलते हैं कि व्यायाम करके क्या करेंगी, उनके दवाइयों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की कल्चर नहीं है, उनको यहाँ तक पढ़ाने की भी कल्चर नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, BSS के फ्रंट से भी बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, उसमें अभियान चल रहे हैं, कि हर घर के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। घर में आत्मरक्षा के लिए आप लाठी रख सकते हैं, उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। आप सीटी रख सकते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आप हेलमेट रख सकते हैं अपना सर बचाने के लिए, आप शस्त्र लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, आप रात को पता लगा कि हमला हो गया घर के ऊपर, आपके घर में टॉर्च नहीं है, लेकिन अगर पहले से ही सेल्फ डिफेंस की आपके आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, बच्चियों को मार्शल आर्ट आती है, जूडो कराटे आता है। मैं इतना जानता हूं कि जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जो SC ST है, वीकर सेक्शंस के लोग हैं, सिर्फ एक अभियान शुरू कर दें कि वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें लड़कियां खासतौर से, और एक घंटा अंग्रेजी जरूर पढ़ें। पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत होशियार हैं, 99-98% नंबर लाते हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन स्पेशली वो इस बात पे फोकस करें कि उनको पूरे दुनिया का विश्व नागरिक बनना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जिंदगी भर समानता के लिए रोते रहें, उनको उनके अंदर लीडरशिप पैदा करनी है। तो लगे कहीं भी कि उनके साथ असमानता हो रही है, तो वो कानून की प्रक्रिया को भी जाने, कानून के बारे में भी जाने, और लड़कियों को खासतौर से अच्छा व्यायाम और अच्छा उनको
जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसका मौका दें। अगर परिवार के अंदर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको छूट दी जाएगी, पढ़ने की छूट दी जाएगी, और सिर्फ यह ना माने कि हम लड़कियों को एक विवाह केंद्रित समाज के अंतर्गत पाल रहे हैं। दिक्कत यही है कि हमने लड़कियों को मना कर दिया, तुम सवाल नहीं पूछोगी, घर के अंदर रहोगी, किसी से बात नहीं करोगी, तो वो उस दिन जिस दिन कभी उसको अकेले खेत में जाना पड़ता है या अकेले स्कूल जाना पड़ता है, वो अपने आप को उस हवा से भी बचाती है, उस आवाज से बचाती है जो उसको लगता है कि ये स्ट्रेंज है, वो एक डर और एक उसमें रहती है, अपने आप को असुरक्षा की भावना का एहसास करती है। लेकिन अगर हम उससे उसके इंटरेक्शन को स्मूथ करना सिखाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे कि दुनिया में कैसे रहना है, कैसे चलना है, किन सावधानियों का के बारे में ध्यान रख करके वो जीवन को अच्छी तरह से जी सकती हैं, तो हम बच्चियों का जीवन ही बचा सकते हैं। घर के अंदर भी कई बार असुरक्षा बाहर से ही नहीं, जाति की वजह से ही नहीं, कई बार विक्षिप्त मानसिकता के लोग बाग इस तरह के काम कर बैठते हैं। एक और चीज है कि जो इस तरह की घटनाएं आती हैं, जाति तो 90% कारण है ही है, उसके अलावा एक चीज है, लोगों के अंदर बीपीडी होता है, एक सिंड्रोम जो पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है, एडीएचडी सिंड्रोम है, एक एएसपीडी है, जो अटेंशन हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम है, उसका टेस्ट होना चाहिए, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का टेस्ट होना चाहिए। और ये टेस्ट हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके बच्चों को परिवारों में भी और ऑफिस के अंदर भी, स्कूलों के अंदर भी, और यहाँ तक कि जेलों के अंदर 30-70% तक लोग पाए गए कि जिनके अंदर ये इस तरह का डिसऑर्डर था साइकोलॉजिकल, जो ट्रीटेबल भी है, निश्चित रूप से जो आपराधिकता है, जो क्रिमिनलिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम साइकोलॉजी का भी सहारा लें, हम कानून का सहारा भी लें, हम हर तरह से समाज का सहारा भी लें, तब जाकर के ये इतना बड़ा वायरस है, कोरोना का भी बाप है कास्ट वायरस, कोरोना कुछ नहीं है, ये तो कोरोना COVID-19 है, वो तो पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है, उसका इलाज हम नहीं कर पाए, लेकिन पूरा समाज मिल करके और कानून की मांग करके, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म तय करके, साइकोलॉजिस्ट की मदद करके हम इसको दबा सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। जब हम चारों तरफ से अटैक करेंगे तो हम साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेकर के स्कूलों में भी इस तरह के लोगों को जो आपराधिक मानसिकता के शिकार हैं उनको टेस्ट करें, उनको ट्रीट करें, ताकि वो माँ बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें। परिवारों को भी इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों से जो इस तरह के विक्षिप्त मानसिकता के लोग बाग हैं, जो गैंगरेप करते हैं, वो परिवार के अंदर भी अपराध करते हैं, आज नहीं करते तो कल करेंगे, पत्नी को भी मारते हैं इस तरह के लोग बाग, बहन बेटियों पर भी अत्याचार करते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं। कहीं ना कहीं इसके जड़ में दो फैक्टर तो आवश्यक रूप से हैं, पहला फैक्टर है कास्ट का फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है वो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसका इलाज साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम इस तरह की चीजें करें जो सॉल्यूशन के ऊपर हो, और सिर्फ जो समस्या पर चर्चा करनी होती है वो काफी नहीं है, बहुत अच्छी बात है लोगों ने बताई, लेकिन मेरा अनुरोध है कि सभी मंचों पर समाधान के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, किस तरह समाधान करें, क्या सोसाइटी को करना चाहिए, हम लोग सिर्फ गुस्सा होकर के ना बैठ जाएं, पे बैक टू सोसाइटी मैकेनिज्म के द्वारा हम पीड़ित को इतना मजबूत कर दें पीड़ित को कि वो ना अपनी पैरवी में घबराए, और ना अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में घबराए, और ना अपने रोजगार में घबराए, वो सीना तान करके समाज के साथ बैठ सके, ना उसे पलायन करने की आवश्यकता रहे, वहीं पर वो रहे जहां रहा है, और उसी जगह उसको अपने न्याय के लिए संघर्ष करे, उसको न्याय मिलना चाहिए, और समाज जब खड़ा होगा, देश खड़ा होगा, सरकारें खड़ी होंगी, तो निश्चित रूप से हर पीड़ित को न्याय मिलेगा, और ये व्यवस्था एक दिन हारेगी जरूर, और बहुत जल्दी हारेगी। आप जैसे विद्वान लोग हैं डॉक्टर कौशल जी, आप जैसी महिलाएं जब नेतृत्व देंगी लड़कियों को और हमारी बहन बेटियों को, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर घर घर में कौशल पवार होनी चाहिए, जो जवाब दे सके, जिससे घबराए हैं लोग बात बात करने में थर रहा है कि हाँ, अगर कौशल की तरफ देख भी लिया, उंगली उठा भी दी, तो हमारे खिलाफ वो कार्रवाई होगी, पूरा समाज खड़ा हो जाएगा, और अच्छा खासा उसका रिएक्शन होगा। तो ये डर जो है, एक साइकोलॉजिकल फियर है, कानून का डर भी है, और ये आपकी पर्सनैलिटी का फियर भी है, जो पर्सनैलिटी बनाने में हम अपने परिवारों के अंदर लोगों को व्यक्तित्व के विकास केंद्रित समाज जब बनाना शुरू करेंगे, विकास केंद्रित परिवार बनाना शुरू करेंगे, तब अच्छा होगा। हम विवाह केंद्रित बच्चियां ना बनाएं, विवाह केंद्रित व्यक्तित्व ना बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया, आप जिस फील्ड में काम करते हैं वहां पर टाइम निकाल के आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अशोक सर, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहती हूँ कि क्या मांग है डायरेक्ट आपकी, मांग नहीं, कैसे आप लोग न्याय की प्रक्रिया से गुजरना चाहेंगे? डॉक्टर बीपी अशोक ने तमाम पहलुओं पर बात की है, साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल, और हमारी बच्चियों को कैसे सेल्फ डिफेंड हो, कैसे वो सेल्फ डिफेंस में जा सके, अपना तमाम चीजों पर बात की। आपसे मैं सुझाव चाहती हूँ सीधा, दो मिनट में जी डॉक्टर अशोक, सॉरी अशोक अज्ञानी सर। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बातें बोली हैं, कुछ तो हम सामाजिक संगठनों के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इन्होंने वो बोली हैं कि जो जब हमारी सरकार कभी होगी, वो जो सपना अधूरा सपना कि हमारी अपनी सरकार होगी, तो तब हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो टेस्ट वगैरह कराने हैं, उनके चेक करने हैं स्कूलों में, सब चीजें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सब वो सब सरकार के क्षेत्राधिकार के, उसको हम आसानी से हम नहीं कर सकते, तो वो सरकार के थ्रू है, अच्छे सजेशन है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लागू करेंगे उसको। दूसरी बात ये कि वहां पर एक पत्रकार ने मुझे पूछा जब मैं वहां हम वहां बैठे हुए धरने पर कि भाई अगर इन्होंने इतना जटिल बना दिया है इसको, सारे सबूत खत्म कर दिए हैं, सारी चीजें करने की कोशिश में है कि भाई जो कि कोर्ट में साबित ना हो पाए तमाम चीजें, तो आप इसमें क्या करोगे? तो हमने उनको कहा कि भाई इनको ये जो कर रहे हैं, इनके पास पावर है, करने दो, लेकिन अभी हम अपनी शक्ति से जो भी हम कर सकते हैं, उसके बाद भारत में तो है ही सुप्रीम कोर्ट तक, उसके बाद यूनाइटेड नेशन भी है, और उसके बाद इनकी अम्मा भी बैठी है, महारानी एलिजाबेथ, जिसने कि इनको आजादी दी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था 99 इयर्स का, और हम वहां पर वहां जाके बैठेंगे कि तुमने इन जलीलों को ये सरकार ये देश हाथ में दिया और 5000 साल से हमारा शोषण कर रहे हैं, आज आजाद भारत में भी हमें हमारी FIR नहीं लिखी जाती, हमें यहाँ पर न्याय नहीं मिलता, हमें ये बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह गुलामों की तरह रखते हैं, और इस लोकतंत्र में हमारा हमारी जगह कहाँ है, हमारा हिस्सा कहाँ है, ये हम इनकी माता जी से पूछेंगे, महारानी एलिजाबेथ, जो कि वहां पर ब्रिटिश में है लंदन, हम मैं खुद जाऊंगा लंदन में, और यहाँ भी बैठेंगे और वहां जाकर के हम उसको पूछेंगे कि इनके अपने नाजायज औलादों को बोलो कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी खून शामिल है, हमारी भी मेहनत शामिल है, इनके हलक में हाथ डाल के हम न्याय लेंगे, अब चुप बैठने वाले नहीं किसी भी स्थिति में, ये मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर श्रीकांत कौशल जी, कौशल जी मैं अशोक अपने अशोक डॉक्टर बीपी अशोक जी वो जो बातें कर रहे थे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैं उसी फील्ड में मैंने PhD करी है, और मैं एंथ्रोपोलॉजी आई एम ट्रेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बट देन मैं ये कह रहा जो जो हमारे दूसरे अशोक जी है अज्ञानी जी, तो उनके बाद से मैं ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ, और डॉक्टर इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर अशोक जी ने अच्छी बातें नहीं बताई, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा, दो मिसालें देना चाहूंगा। पहली मिसाल ये कि अगर सामाजिक दृष्टिकोण से जिस सोफिस्टिकेटेडली सोशल साइकोलॉजिकल रेमिडीज के बारे में डॉक्टर बीपी अशोक जी ने बताया, उसको लागू करने के लिए सबसे अहम चीज है पॉलिटिकल विल। 1996 में अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी थी जाद रेज के साथ मिलकर, जो आपके दिल्लियों में झोपड़ियों की खाक छानता है बेचारा वो आदमी विदेशी, और वो भारत माता का सच्चा सपूत कहना चाहिए उसको, और जो लड़ते रहता है उस जादरेज के साथ में मिलकर अमर सेन जो किताब लिखी, उस किताब में अमर सेन कहते हैं कि जब से आजादी मिली है तब से प्राथमिक शिक्षा के बारे में जो राजनीतिक अनिच्छा पॉलिटिकल रिलक्टेंस जो देखा गया है इन सारे शासकों का, कांग्रेस से लेकर तो आज तक के शासकों का, ये एक शर्मनाक बात है। वो नाम नहीं लेता, अमर सेन नाम नहीं लेते कि किसने ऐसा किया, लेकिन ये राजनीतिक अनिच्छा का हथियार जो है, ये शोषक जातियों का हथियार है, उनके हाथ में सत्ता रहती है भी वो करना नहीं चाहती। तो अशोक जी ने तो बात, डॉक्टर जी ने तो बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उनको अमल में लाने के लिए सत्ता की इच्छा की जरूरत होती है। जो सत्ता पर बैठे हैं अगर वही शोषक है, वो शासक जातियां है, और वो नहीं चाहती कि आपको रिलीफ दिया जाए, आप तो ADHD की बात कर रहे हैं, डिस्लेक्सिया की बात कर रहे हैं, आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, और यहाँ की संस्कृति ही गलीज और घिनौनी है, इस संस्कृति से आपके समाज में जो बातें इंजेक्ट की जाती है वही आपको पागल बनाती है। बारबारा हैरिस वाइट ऑक्सफर्ड में 35 साल से भारत पर काम किया, उस विदुषी ने, बारबारा हैरिस वाइट ने 35-40 साल से काम किया, शी इज अगस्त प्रोफेसर, उन्होंने एक किताब लिखी है कि सोशली रेगुलेटेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया,
एक बार मैं यहाँ के पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में एक यहाँ के एमपी है बॉब मॉरिस, वो एक बार कुछ मंत्रियों को लेकर भारत के दौरे पर आए, और दौरे पर आए और एक बहुत बड़े खेतान टाटा कोई तो भी ऐसे एक उद्योगपति से मिले, और बॉब मॉरिस जो कि हमारे चैंपियन है, हमारे कॉज का बहुत सपोर्टर है, इज चैंपियन ऑफ आवर कॉज एंड इज सपोर्टर ऑफ पैटर्न ऑफ आवर दिस मूवमेंट, उन्होंने एक उद्योगपति से पूछा उसके घर में जाकर उसके पार्टी में कि भाई आप इतना बड़ा उद्योग चलाते हो, ये आपके इतने दबे कुचले ये मेहनत कश लोग है जो हमारे आकर इतने हमारी संस्कृति हमारे इकोनॉमी की योगदान देते हैं, आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो और बोले आप इनको मैनेजर लेवल पर, आपको इनको सिर्फ नीचे के लेवल पर क्यों रखते हो, इनको आप ऊंचे औहदों पर, इनको अपवर्ड मोबिलिटी आपके इकाइयों में और कॉर्पोरेशन से क्यों नहीं देते। तो वो आदमी चुप हो गया। जब भारत की जो ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस है इसमें इनको जब उन्होंने जवाब पूछा यहाँ के यूके के एक एमपी ने, तो वो लोगों ने बात को पलट दिया। तो ये है सूरत हाल। जब तक शासक जाति के लोग आप पर हुक्म करेंगे, आप पर राज करेंगे, वो क्यों चाहेंगे कि आप सशक्त हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सशक्त हो। और हम मेहनत कश लोग है, हमको मिट्टी दो हम मटका बनाते हैं, हमको आप लोहा दो हम हथियार बना लेते हैं उससे, और वो हथियार भी मारने वाले नहीं, जमीन को उपजाऊ बनाने वाले हथियार बनाते हैं। हम इस देश के मूल निवासी है, और इसलिए अगर डॉक्टर बीपी सिंह जी ने बहुत अच्छा, बीपी अशोक जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन उसके लिए हमको उन लोगों को, हमको हमारी सत्ता चाहिए, और हमको हमारी सत्ता चाहिए, या तो हमको ऐसा प्रेशर ग्रुप चाहिए कि जो भी सत्ता में है वो कम से कम भारत देश को बड़ा बनाने के लिए काम करे। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया है, रिजर्वेशन इज नॉट मैटर ऑफ ब्रेड एंड बटर, वो तो हमारे सशक्तिकरण का माध्यम था, लेकिन इन्होंने उसको बैसाखी बना दिया। ये हाथ, इनके हाथ में मीडिया के रहते हुए ये तुम्हारे मूल्य को भी मैला बना देते हैं, और खुद के मैले को भी मूल्य बना देते हैं। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते देश में, कुछ नहीं कर सकते। जी जयंत, आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट कमेंट? ये कहना चाहूंगा आपके चैनल से माध्यम से, बस आपके सुन लिया मैंने सबकी बात। ये परिवार इतना गरीब है कि इनको खेतों में काम करते हैं ये, तब इनके घर में खाना रोटी आती है। सबसे पहले तो इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, वहां से निकाला जाए, यूपी से बाहर, ताकि इनको सेफ्टी मिले, इनके पूरे परिवार को फाइनेंशियली इनको साउंड किया जाए, खाना पानी मिले, जैसे चंद्रशेखर रावण जी ने ऑफर किया वो उनको अपने घर लेके जाने। और मैं ये भी कहूंगा सारी कम्युनिटी से कि इनको सपोर्ट करें चंद्रशेखर जी को, ताकि वो उनको अपने घर ले, वो भी तो अकेला लड़ता है, अपनी जान पे हाथ रखे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है कि उनको उनके घर, परमानेंट सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है ये तो जात पात तो कभी खत्म हो, क्या इससे जो एक सामाजिक समीकरण जो बन रहा है, तमाम दलित जातियां इसमें एकजुट हैं, बिल्कुल मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी है हमारे साथ, अशोक अज्ञानी जी तमाम चीजों को देख भी रहे हैं। जिस तरीके से शुरुआत में ये एक जातीय मुद्दा एक तरह से नजर आ रहा था, लेकिन आज तमाम लोग, चाहे वो जाट समुदाय हो या जाट हो, गुजर हो, तमाम दूसरे लोग भी, भले ही राजनीतिक पार्टियों की वजह से, लेकिन वो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। कल भी लाठियां चली वहां पर, आज भी कुछ लोग वहां पहुंचे, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, चाहे भले ही उन्हीं की जाति के क्यों ना हो, वो भी वहां जाकर कंडम कर रहे हैं इस चीज को। ऐसे में अगर शिफ्ट कर दिया गया, ये बिल्कुल मैं यहाँ तक सहमत हूँ कि प्रोटेक्शन बहुत उनको मारा जा सकता है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। यही होगा, मैं आपको बता देता हूं अभी, यही होना है वहां पे। लेकिन सर मैं आपसे ये कहना ये चाह रही हूं कि क्या इस तरीके से हमें विस्थापन कर देना, क्या आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, वो हो ही रहा है। वो तो मिर्चपुर कांड है, गोहाना कांड है, और भगाना की महिलाएं, हमारी बेटियां थी, लगातार आसमान के नीचे पड़े रहे हैं जंतर मंत्र पे, क्या ये कब तक भागते रहेंगे सर? ये रुकेगा, देखिए कैसे रुकेगा। ईरान का लॉ देखिए, इराक का लॉ, सऊदी का लॉ देखिए, नो मैटर हुई सेइंग व्हाट, मैं उसकी परवाह नहीं, किसने कितने कमेंट करेंगे, वो उसने एफआईआर में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डाइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फुल एंड फाइनल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। और लड़की बोल गई है अपने मुंह से, नाम बता गई है, सब कुछ क्लियर हो गया, उसने बोला है मेरे संग हुआ है सब कुछ। अब डाइंग स्टेटमेंट जब हो गया प्रूफ, फास्ट ट्रैक में इसको लाके इन चारों को वहीं पे फांसी लगानी चाहिए, उसी खेत में खड़ा करके पब्लिकली, ताकि आगे आने वाली नस्लों को ये सब नसीहत मिले कि हमें कैसे लटकाया जाता है। और उनके घर की जो औरतें हैं, जिन्होंने बरखा दत्त ने इंटरव्यू लेने की कोशिश करी कि क्या वो उन्होंने साफ मुंह ही फेर लिया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता,
अरे मीलों दुनिया भर में खबर फैल गई, तुम उस गांव में रहते हो, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब, वो बोलना ही नहीं चाहती। तो इन चारों को अगर वहीं फांसी लगा दी जाएगी और पब्लिकली इसको टीवी पे दिखा दिया जाएगा, मैं गारंटीड कहता हूँ ये 80% समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे लोगों में डर आएगा, क्योंकि वह डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इंडिया में, डर नहीं है ना, छूट जाते हैं, पैसा खिला ये खिला वो खिला, ओपनली हो रहा है, कौन नहीं, पूरे वर्ल्ड जानता है। जब इनको चारों को हो जाएगी ना, ये आप यकीन रखिए, जब सब ये होना लगेगा ना, जब लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होगा, आप सऊदी में जाइए, दुबई में जाइए, कोई चोरी सोने की दुकानें खुली रहती है, मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया है, दुकानें खुली रहती है, चादर डाल के नमाज पढ़ने जाते हैं, मजा लो, कोई हाथ लगा दे। अभी इराक का एक केस आया था शायद ईरान का, जहां एक ज्वेलरी शॉप में 3 लड़कों ने आके उसको दुकान वाले को मार दिया, वो कैमरे में आ गए थे, सेकंड डे उनको, तीसरे दिन उनको लटका दिया फांसी पे वही क्रेनों के सामने, दुकान के सामने। तो ये तब तो रुक, लॉ एंड ऑर्डर तो तभी रुक सकता है, नहीं तो नहीं रुक सकता, ये तो मैं गारंटी। अशोक, आपने जयंत डोगरी जो ऑस्ट्रेलिया से है उनका स्टेटमेंट सुना और उनकी इमोशन को समझा जा सकता है, क्योंकि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, मूलतः जयंत जी परिवार के साथ पारिवारिक संबंध है, तो इसलिए इनकी भावना को समझा जा सकता है, लगातार जो इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन सर, मुझे आपसे ये जानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम करते हुए जो धारा लगी 144 वहाँ लगी हुई है, इसके बावजूद भी जो दूसरी जातियाँ जो जो कल्प्रिट हैं, जो ठाकुर हैं, वो लगातार पंचायत कर रहे हैं और पुलिस की तो पुलिस के सामने कर रहे हैं। वो धारे तो कौशल जी हमारे लिए लगाई ना, आपके मीडिया के लिए, मेरे लिए, ताकि उनको फैमिली को सपोर्ट ना दे, वो मॉरली इमोशनली फाइनेंशियली टूट चुकी है वो फैमिली, वो अंडर प्रेशर है। आप उनके इमोशंस को देखिए ना, उनसे तो बोला भी नहीं यार, रोटी नहीं खाई, उनकी बेटी चली गई है, आप उनसे सौदा कर रहे हैं। और वो जो धारा, वहां पे 2 मीटिंग हुई है ठाकुरों की, और वो यही कह रहे हैं कि हमारे बेटे को मार दिया जाएगा तो हम इनके परिवार, अब उनके बच्चों का डर है उनको, तो सबसे पहले तो वहां से बाहर निकालिए लॉ एंड ऑर्डर। वो 144 धारा तो उन्होंने दूसरे लोगों को पीटने के लिए लगाई है, लोगों से मिलने के लिए, उनको कोई सपोर्ट ना मिल जाए इसलिए लगाई गई है वो लॉ। इसीलिए तो मैंने कहा डीएम और एडीजी को हटाया जाए इमीडिएटली वहां से। डॉक्टर बीपी अशोक, लास्ट कमेंट, मैं चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी यहाँ, लास्ट कमेंट आप क्या देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी, संघर्ष को हम इग्नोर नहीं कर सकते, संघर्ष तो करना पड़ेगा, और जैसा कि आप मानते हो कि हमें सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए, समाधान पर। मुकदमा लिखा हुआ है, हम पैरवी भी करेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन एक दो केस में तो हो सकता है कि आप किसी फैमिली को बाहर निकाल दें, लेकिन इसको सॉल्यूशंस की तरह से हर जगह नहीं अपनाया जा सकता, और ना ही कानून की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा तेज किया जा सकता। आक्रोश में लगता है ऐसा कि हम लोग रिवेंजफुल हो जाए, लेकिन जो जड़ें हैं, जड़ों पर काम होना चाहिए। जब जिस कास्ट से परेशान है पूरा कंट्री, हमेशा गुलाम बना, उसके खिलाफ कानून क्यों ना बने? क्यों हम उस मुद्दे को इंडिफरेंट है? हम मांग तो करें, जब मांग करते हैं तब वो चीजें आती हैं, वो विपक्ष के भी हाथ में आती हैं, सत्ता पक्ष के भी आती हैं। जब हम मांग ही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीजें मिल नहीं पाती। जब चर्चा में आएंगी, टेबल टॉक बनती है, बड़ी बड़ी चाहे क्रांतियां हुई हों, चाहे विद्रोह हुई हों, कहीं ना कहीं से मांग निकल करके आती है कि ये हमारा मैनिफेस्टो, ये हमारी मांग है। हम मांग क्यों ना करें कि वहीं पर न्याय मिले, और वहीं पर जो पीड़ित है, निश्चित रूप से जब न्याय मिलेगा तो पीड़ित को लगे, उसको लगेगा, उत्पीड़क को लगेगा कि हाँ, हमको समतामूलक समाज के साथ ही रहना पड़ेगा, मजबूर होगा वो रहने के लिए। तो काफी विद्वान लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई, बोरका साहब ने बहुत अच्छा बताया, अशोक जी ने भी अच्छा बताया, लेकिन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस पर यही काम करना है कि हमको सेल्फ डिफेंस ठीक करके और मैकेनिज्म करके, ट्रेनिंग दे करके, क्योंकि हर आदमी यूनिट है, उसके साथ हमेशा कभी आप गना नहीं लगा सकते। जहां भी इस देश के अंदर जाएंगे, जाती है हर जगह, तो क्यों ना उसी वायरस को खत्म करने का प्रयास किया जाए। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गांव बता दीजिए जिस गांव के अंदर इस देश में जाती ना हो, आज नहीं तो कल वहां भी उत्पीड़न होगा। कहां कहां भागते फिरेंगे, कहां कहां पलायन करते रहेंगे, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। जहां है वहां अर्बन एरियाज में, अर्बन एरिया में रह सकते हैं, वहां किराए पे मकान लेकर रह सकते हैं, वहां सेफर ज्यादा होगा वही नजदीक पे, ताकि उनके आसपास के जो रिश्तेदार हैं वो भी एक सुरक्षा का कवच है जो मिलने वाले हैं, क्योंकि पीढ़ियों से वो लोग उस गांव में रहते हैं, तो वहां से 10-20 किलोमीटर तो रहना निश्चित रूप से अच्छा है। बहुत दूर जाकर के रहेंगे तो वो बहुत लंबा टाइम वहां नहीं रह पाएंगे, और बहुत सी दिक्कतें आती है। जयंत, लास्ट कमेंट मैं कह देता हूँ आपको, डॉक्टर श्रीकांत, अब मैं आपको बताता हूँ, 1950 to 1952 लास्ट कमेंट जयंत, 1952-53 में मेरे फादर
मैजिस्ट्रेट बने थे आगरा में, ज्वाइन किया था उन्होंने एज ए मैजिस्ट्रेट। यही ऐसे ही केस आया था ठाकुर लड़कियों का, ठाकुर लड़कों का, जिन्होंने एक लड़की का रेप किया था, एक बालवी की लड़की का वहां पे। ये मेरे पिताजी मुझे बताते थे, उन्होंने कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी करके कुर्ता पजामा पहन के किसी को नहीं बताया उस घर में गए, उसने बाप लड़की को गालियां दे रहा था, अपनी बेटी को ही कोस रहा था कि तू भारी क्यों गई, अब वो बच्ची क्या करे जब उसको छह ठाकुर लड़कों ने ऐसे किया। सक्सेस सजा दी पिताजी ने, मगर क्या हुआ, इतनी धमकियां मिली उस जमाने में 52 में कि मेरे बाबा जी ने, उनके पिताजी ने जबरदस्ती मेरे फादर को कसम दे के रिजाइन करवा दिया नौकरी से कि या तो तुझे उठा के ले जाएंगे या तुझे मार देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे पिताजी ने अपनी आंखों से देखा इन गांवों का हाल, जब वाल्मीकि लड़की या शेड्यूल्ड कास्ट की लड़की चांदी का बिछुआ भी पहन के नई बहू निकल जाती थी घर से पानी लेने कुछ लेने, ठाकुरों को लड़के घोड़े से उतर के पैरों को जूते से कुचल देते थे, बिल्कुल क्रश कर देते थे उंगलियों को, जो घोड़े की नाल वाले जूते होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, बात सही है। सर कानून तो बहुत बने हैं भाई साहब और बनते रहेंगे जब तक स्ट्रिक्ट लॉ और कमीशन कुछ नहीं करता। एस सी एस टी, मैं बात कर दूंगा, मेरे पिताजी के सर्टिफिकेट है मेरे पास, उन लोगों के सर्टिफिकेट है जो के एक आदमी सोच भी नहीं सकता। आईएएस और आईसीएस ऑफिसर्स के लिखे हुए हैं, जगजीवन राम जी के लिखे हुए हैं, बड़े बड़े एमपी और मिनिस्टरों के सर्टिफिकेट हैंड रिटन है मेरे पिताजी के पास। नहीं, आई एम नॉट सेंटिमेंटल, पर मैम आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स व्हाट इज ओवर, क्या होता है वहां पे, हमारी भावनाएं इस वक्त बहुत ही दुखी है, आहत है, और इसमें और बीपी अशोक जी ने जो कहा कि वो भी मैं इसका इत्तेफाक रखता हूँ कि हमको देखिए हम लोकतांत्रिक लोग हैं मूलतः और हम न्याय, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। मैं खुद पर्सनली कैपिटल पनिशमेंट में यकीन नहीं रखता क्योंकि जब तक आप समाज की सोच को नहीं बदलते ऐसी घटनाएं, ये इट इज नॉट अबाउट द सेक्स, इट इज नॉट अबाउट द मिसोजिनी, इट इज नॉट अबाउट काइंड ऑफ किलिंग एंड रेपिंग मियरली, दिस इज अ डीपर काइंड ऑफ रूट्स ऑफ दिस थिंग्स। तो आपको रूट पर काम करना पड़ेगा, मैं इत्तेफाक रखता हूँ बीपी अशोक जी के साथ। दूसरी बात रही जयंत जी की, फिर बात वही आती है कि जो लोग न्यायालय में बैठे हैं क्या वो इतने ईमानदार है, लेकिन अब हम सिर्फ अपेक्षा ही कर सकते हैं। इस बार मैंने कहा कि मैं कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ में हूँ क्योंकि मैं सामाजिक जो जो प्रोसेस है उसको समझता हूँ, मैंने उस पर मैंने काफी दिनों से अध्ययन किया, मैं सोचते रहता हूँ। तो लेकिन न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और सबक दिया जाना चाहिए और ये सबके लिए भला है। देखिए हम आई फॉर आई में यकीन रखते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपकी आंखें फोड़े जाए और आप कुछ ना करें। और इसके लिए ये जो डेमोग्राफी है, हमारी जो डेमोग्राफी है, अशोक जी जो कह रहे हैं कि जाति सब तरफ है, आपने भी कहा कि रिहैबिलिटेशन ये एक मुद्दा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कब तक हो हमारा, सिर्फ हम ही को मार मेले, हम ही पर अन्याय और हम ही डिस्प्लेस हो। बात डिस्प्लेसमेंट की नहीं है, बात है आपके अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोग्राफी की, इस पर ख्याल होना चाहिए, इस पर हमारे संगठनों ने काम करना चाहिए। मैं किसी देखिए गुस्सा में मैंने मुझे अभी भी गुस्सा है, मैं किसी विशिष्ट जाति पर गुस्सा हूँ, लेकिन इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि वो शासक जातियां है और उनको चाहिए कि वो ईमानदारी से शासन करें। हमें किसी का हम किसी का पर्सनल या किसी जाति पर जाति भेद को बढ़ाने वाली का बात कैसे करेंगे, हम तो जाति के अंत तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उन जातियों के शासक जाति के शासकों को, उनके बुद्धिजीवियों को और उनके कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो उनके जातियों में जाकर उनको इंसान बनाने का, बंदा बनाने का काम करे। और रही बात ऐसी घटनाओं की, इसी बात पर समाप्त करना चाहती हूँ कि हमेशा सरकारें, सामाजिक संगठन, एनजीओ दलित सुधार के कार्यक्रम चलाती है, तो मुझे लगता है कि अब जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, सवर्ण सुधार कार्यक्रम होने चाहिए, सवर्णों को सुधरने के, जो पहले ही सुधरे हुए हैं। आपने कभी नहीं देखा कि दलित के साथ अगर किसी तरह की कोई रंजिश भी है, उसने बजाय मार काट लड़ाई झगड़े को उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव किया। सबसे ज्यादा दलित जो समाज है वो अंबेडकर प्रस्थ है, बाबा साहब अंबेडकर की मानस संतानें हैं, ज्योतिबा फुले की संतानें हैं, सावित्री बाई फूले की संतानें हैं, फातिमा की संतानें हैं। हमने कभी नहीं चाहा कि हम लोग हिंसा का सहारा लें, हम खुद शांति प्रिय रहे हैं हमेशा, हम खुद इसके खिलाफ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की न्याय व्यवस्था पर सवाल बार बार उठते हैं, एक में मामले में पुलिस इनकाउंटर कर देती है और पब्लिक फुल बरसाती है, दूसरे में हम ये चाहते हैं कि नहीं पूरी न्याय प्रक्रिया फॉलो हो। मैं इस सेंटलमेंट को समझ सकती हूँ, बट वी आर नॉट एग्री विद दिस पॉइंट कि इनकाउंटर हो।
क्योंकि उसमें हमें बहुत अच्छी तरह पता है हमारे लोग सबसे ज्यादा मारे जाएंगे, तो इसलिए डॉक्टर एक मिनट जी, कौशल जी, जयंत जी, अशोक जी और डॉक्टर बीपी अशोक जी और अशोक ज्ञानी जी, आप सभी, आई वुड लव टू कम्युनिकेट विथ यू एंड टॉक विथ यू, हम इसको यही छोड़ने वाले नहीं है। और जैसा कि अशोक जी ने, अशोक अज्ञानी जी ने बताया, तो जो डोमिनेंट ट्रांसफर जिन जातियों के हाथ में हुआ है और जिसने कर दिया है, हम वहां तक जाएंगे, उसी भी ऊपर जाएंगे और इनको इनको सारे दुनिया के सामने नंगा करेंगे। अगर हम न्यायप्रिय, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ने वाले हैं, और हम सभी को मिलकर सम्मिलित, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ हम पिछले, जैसे हिसार की घटना हुई थी यूके में, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, एक बीपी वराल, योगेश वराले करके जो थे, जिन अभी भी है, वो अंबेडकर पीस ऑफ सेंटर, अंबेडकर सेंटर ऑफ पीस एंड जस्टिस चला रहे हैं कनाडा से, वो तीसियों साल से जब जब भी भारत में कोई घटना होती है काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको किसी ने, हम किसी ने प्रेरित किया है, इंडिया के किसी सो कॉल्ड करिश्मेटिक नेतृत्व के कहने पर हम ये कर रहे हैं। हमको समाज में, हमको एक इंडिविजुअल लीडरशिप या व्यक्ति की लीडरशिप नहीं बनानी है, हमको इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप बनाना जरूरी है, जिसकी जिसका जिसके बारे में अशोक जी कह रहे थे, डॉक्टर अशोक कह रहे थे, और साथ में जैन जी ने भी कहा, और आपने भी इसके ऊपर इंगित किया कि जैसा अभी अशोक अज्ञानी जी, उनकी क्लैरिटी से मैं बहुत ही कायल हूँ, और जिस तरीके से बात कर रहे थे, ही इज अ फील्ड वर्कर, तो रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, वो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने की ताकत जब तक हमारे लोगों में आती नहीं, तब तक हम इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पैदा होगी ऐसा समझना नहीं चाहिए। एक कोई भी बंदा महान हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, करिश्माई नेतृत्व पैदा हो जाए, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। बहुत आए नेता, बहुत गए, उसके बाद भी अगर व्यवस्था वैसी है, तो समाज को इंडिविजुअल लेवल पर एक एक इकाई के तौर पर काम करने का करना पड़ेगा। बीपी डॉक्टर, डॉक्टर बीपी अशोक जैसे लोग, डॉक्टर अशोक, अशोक अज्ञानी जैसे लोग, ये जितने लोग बढ़ेंगे जागरूक लोग, then nobody will dare to touch our society. And also I would love to coordinate with you guys of before for taking this issue in the UN in front of the Human Rights Commission, and yes, we will include you in the meeting as well. That's what I'm saying, that's what we need to do. We are not going to leave this. Yes, we are not going to leave this. It has to go to United Nations, Amnesty International. जी, मैं इस चर्चा को समाप्ति की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। ये इस समय की चर्चा की समाप्ति है, हम लगातार इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे जब तक तमाम महिलाओं के प्रश्न हल नहीं हो जाते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब तमाम दर्शक, जो बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हुए थे, मैं उन सवालों को नहीं ले पा रही क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, खासकर जयंत जी का जो ऑस्ट्रेलिया थे, कोई बात नहीं, मैं जगह हूँ, टाइमिंग का बहुत गड़बड़ रहता है बाहर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, हो चुका है हमें अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर श्रीकांत यूके से, जो जिनका समय बहुत कीमती है और आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, तमाम चीजों पर काम करते रहते हैं, अभी आपने इंडियन कंसुलेट हाउस पे भी प्रोटेस्ट किया था इस इशू को लेकर, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, डॉक्टर श्रीकांत बर्कर, डॉक्टर जैन, डॉक्टर बीपी अशोक, जो खुद एक ऐसे फील्ड से आते हैं जहाँ बहुत कम टाइम होता है, हम लोग तो फिर भी टीचर्स हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोग तो बड़े मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, और डॉक्टर अशोक अज्ञानी, अशोक अज्ञानी जी जो एक फील्ड वर्कर हैं और लगातार मुद्दों पर काम करते रहते हैं। मैं सब तमाम आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, चर्चाएं हमारी आगे भी जारी रहेंगी, इसको किसी मुकाम तक ना ले जाएं, बहुत बहुत आभार, जय भीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू।